लाल बोतल सराबा तू छे बड़ी खराबा, लाल बोतल सराबा तू छे बड़ी खराबा। अब क्या करू रे हाय नशे में चूर हो गए, क्यों दे अब क्या करू रे हाय नशे में चूर हो गए। क्लैपिंग क्लैपिंग, ये मस्त डांस था। चलो अब चलो जा रही हूँ पीहू के लिए नाशपाती लेने, और देखो कितने सारे यहाँ पे मक्की की पेड़ हो रहे हैं। इसके बीच में सो के जा रही हूँ, डर भी लग रहा है। आपको एक व्यू दिखाती हूँ, सुंदर सा व्यू। देखो कितने सारे माल्टे हो रखे हैं, ये नींबू, ये देखो दोस्तों नींबू। इसे बाद में खाएंगे सान के ना, जब ये बड़े हो जाएंगे इसको टेस्टी टेस्टी बनाऊंगी। ये देखो, आपको पता है आधे नाशपाती ना वही खा लेते हैं यहाँ पे, बोले तो क्या जैसे लंगूर वगैरह। मैं जा रही हूँ नाशपाती लेने, डर भी लगता है इनको बहुत। हाँ यार, मुझे ऊंचाई से हाइट से बहुत डर लगती है। 6 घंटे तक तो आप चढ़ोगी, जल्दी चढ़ो ना। पैर का रुक यार, ये टूटेगा तो नहीं? नो, गिरेगा जरूर। देखो इतने डरपोक दीदी बुआ, मतलब बस ये देखो एक नाशपाती, लो कैच करो। बस एक ही नाशपाती? नहीं नहीं अभी और तोड़ती हूँ। ये देखो, अब देखो मेरा कमाल है, कुछ होता तो नहीं? नहीं, खुशहाल ना ये दादी आ गई। बुआ चढ़ी डालम, पीहू पीहू को देख, पीहू देख, पीहू देखो कितनी खुश हो रही है, उसको दो नाशपाती मिल गई। बुआ सब नीचे गिरा दियो, देखो बुआ ने ये भी गिराना है। कमाल मेरा, यही नाशपाती गिर गई। पीहू नाशपाती दिखाना, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती है। देखो आ गई बुआ नीचे। आप देख सकते हैं बुआ आ गई है नीचे, ये भिखारी की तरह टीप रही है। इसे भिखारी हो ये नाशपाती, आज मैं बना दूं। तो हम प्लेट लेके आ गए हैं और अब इन नाशपाती को काटेंगे, फिर उसमें नमक मिलाएंगे, फिर उसे खा जाएंगे। चलो मैं हमारी आने वाली फ्यूचर की यूट्यूबर है, अभी तो छोटी है, क्लास 4th में पढ़ती है ना, तो जब बड़ी हो जाएगी से बहुत शौक है यूट्यूब में वीडियो बनाने का, तो ये भी बनाएगी। जितना मुझे आता है मैं भी सिखा दूंगी, है ना। ओके मम्मी मेरा खा लो, कोई भी खा लो। ये तो कलर देखो अनार, पेट पे कल बुआ ने इसकी चटनी बनाई, बहुत यम्मी थी, अच्छी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी के नहीं काट रहे हैं, बाकी के हम बड़े हैं ना, हम तो ऐसे खा जाएंगे टप टप करके। दो छोटे हैं इधर देखो, एक पीहू एक काना। काना बस पढ़ाई नहीं करता, मोबाइल पे ही लगा रहता है। क्या करे इसका, पीहू को देखना, पीहू ये देखो तकड़वा मुंह कर रही है। तो दोस्तों नाशपाती रेडी है, हमने काट भी लिया है, आप इसे खाएंगे ना गुन्नू। चलो लो पहले तो बच्चों को दिखाओ, ये हमारी छोटी यूट्यूबर आने वाली, देखो तो आजकल के बच्चे। इसकी दादी कब से आवाज दे रही है, पर वीडियो बनाने में बिजी है। अब भागी है, कहाँ जा रही है? मैं घास लेने जा रही हूँ। ओके, तो ये रही नाशपाती जो मैंने अभी अभी काटी है और अब इसे खाएंगे। बताओ कैसा है खाने में? इतना
टेस्टी स्वाद आ रहा है इसका, मतलब खट्टा मीठा दोनों मिक्स, और खट्टे मीठे का जो मिक्सअप होता है ना गाइस, इतना टेस्टी हो रहा है ना बता नहीं सकती। आप भी खाओगे क्या नाशपाती? उससे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मेरे पास ना, मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी फ़ोन करा, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया, तो हमारी बातें हुई, तो बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि यार मैं यहाँ आना चाहते हैं, मतलब यहाँ बोले तो कि मतलब हिल स्टेशन वाली जगह में, पहाड़ी इलाके में, यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो वो लोग भी यहाँ घूमना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो मुझे कह रहे हैं कि यार वाओ कितनी प्यारी जगह रहती है और यहाँ आना चाहते हैं, तो मैं आपको इस पे भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी लेनी पड़ेगी, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की सोच रही हूँ अभी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट पे एक मैसेज तो ज़रूर करना कि हाँ मुझे उस, मतलब उस चीज़ पे वीडियो बनाओ आप, तो मैं आपके लिए बनाऊँगी। क्योंकि मैं यहाँ जब आई तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है यहाँ पे आके, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, कुछ चीज़ बुरी भी होती हैं, और वो प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे आके फेस करी है वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ, तो मतलब आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। ओके दोस्तों, वो छोटी सी बच्ची कितना घास लेके आ रही है भाई, ये आने वाली फ्यूचर की यूट्यूबर गुन्नू। और वो दादी देखो डांटती रहती है उसको जब देखो तब। हाँ हाँ कह रही मैं यहाँ से आ रही हूँ, मेरी वीडियो बनाओ, वहाँ से बुला लिया आपने तो आ गई अब यहाँ से। यहाँ पे जो छोटे से छोटा बच्चा भी होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मतलब जितना सामान ये घास अपने सर पे लेके आई है मैं तो कभी नहीं ला सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं अकेले चलती हूँ बिना सामान के, बिना कोई चीज़ लिए तो मैं इतना थक जाती हूँ, तो फिर सामान लाना तो बहुत मुश्किल है। तो भैया ये है जो अभी इतना सारा घास लेके आई अपने सर पे, इतनी छोटी सी ले आती है ना तू बहुत दूर दूर से, पानी के डिब्बे दो दो तीन तीन ले आती हूँ। बताओ जरा देखा, तो ये चीज़ भी मतलब ये भी फायदे वाली बात है कि कितना स्टैमिना है इनकी बॉडी में कि इतनी दूर से सामान लेके आ जाता है ना, हम तो हमारी तो क्या हो जाएगी, टाटा फिश हो जाएगी है लाने में सामान। ओ पीहू की प्यारी दादी खाओ, ये इनकी पेड़ की नाशपाती है और इतना स्वाद आता है खाने, नेचुरल तरीके से बनी हुई है, वहाँ तोता भी खा रहा है देखो। हम ऐसे खा रहे बोल, बिना मोल के, हम बिना मोल के खा रहे, वो भी बिल्कुल प्योर अपने आप कुदरती तरीके से पकाए वो। ये देखो इतनी इतनी मूली भी हो गई इनके, आपको दिखाओ तोता भी खा रहा है, तोता इसमें दिखाई नहीं दे, वो दिखा 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 दिखा, देखा आपने दोस्तों कैसे तोता नुकसान करते हैं खाते हैं। बहुत धूप हो गई है अब तो, यहाँ पे ना मौसम का यही परेशानी है, कभी भी धूप हो जाती है कभी भी छाव हो जाती है। एक देखो और आ गया मोबाइल लेके, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जान के हमको आंख दिखाना रे, डूबी डूबी डब डब, डूबी डूबी डब डब, अकल का कच्चा समझ के हमको। उसकी वीडियो बना रही हूँ, वो मेरी वीडियो बना रहा है, ये हाँ प्यारा फूल का प्यारा, मैं भी ले जाऊंगी इसे। हाँ क्यों, मैं तो तुम मत देना, मैं तो ले जाऊंगी, मैं तुझे बता थोड़ी दी हूँ, पूछ थोड़ी दी हूँ, तो तुझे बता रही हूँ मैं कि मैं ये ले जाऊंगी, ले जाना पर ऊपर को तोड़ना नीचे का पड़ेगा। हाँ हाँ तो जड़ से ही तो ले जाऊंगी। तो ये देखो फ्रेंड्स, मतलब कितने तरह तरह के पेड़ होते हैं ना यहाँ पे, ये क्या होगा प्लास्टिक प्लास्टिक फूल देख लो कितना प्यारा लग रहा है, डार्क ग्रीन में है ये, पिंकिश पिंकिश लुक दे रहा है, पिंकिश लुक कितना प्यारा लग रहा है अगर सिर्फ लगाया जाए तो, मतलब ये देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है दादी के। क्या बना रहे हो दादी? पता नहीं आज काली बात बकोलो। अच्छा पता, देखना सही के मूला दे दीजिए, मूली लेके आ रखे इसके पापा। हाँ वो गए थे ना रीडिंग पे, तो फिर किसी ने दे दी। अच्छा। एक दिन मूली भी दी, दो मूली दी, और एक दिन जिस दिन आपने वो नहीं दिया था भुज्जी उसका, उसके दूसरे दिन ही अगले दिन ही एक ने और भुज्जी दे दी। अच्छा। हाँ
लाओ बोल बाजार से मत लाओ बोल। और एक ने शायद वो दिया है, क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है वो बैगन हरे वाले, ये हाँ। नहीं यहाँ के लोगों की आदत अच्छी है कि मतलब कोई भी चीज एक देंगे पर देते जरूर है ना। हाँ मिल बांट के खाते हैं। हाय बाय। ओके तो फिर अब हम जा रहे हैं यहाँ से क्योंकि पीहू ने थोड़ा सा घूम लिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं फिर से नीचे की तरफ, अपने घर की तरफ जाते हैं। हो गई है बहुत ज़्यादा, थक गई मैं तो गर्मी से, क्योंकि धूप ना थोड़ी कम है पर उमस बहुत हो रही है क्योंकि ये एरिया ना थोड़ा मतलब जैसे और एरिया तो पहाड़ी एरिया में है काफ़ी ऊपर ऊपर, तो वहाँ पे जो है मतलब ठंडा रहता है मौसम, पर ये थोड़ा नीचे है, ये एरिया जो हमारा है ना थोड़ा नीचे है, पहाड़ी पे नहीं है, थोड़ा घाटी टाइप में है, तो यहाँ पे गर्मी रहती है क्योंकि पहाड़ से सारी हवा टकरा जाती है, तो यहाँ पे तो आने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। ध्यान से देखिए इन्हें, ये हो गई है कीड़ों से परेशान इन्होंने सफाई अभियान शुरू कर दिया कीड़ों को हटाने का, ये बहुत ज़्यादा परेशान है कीड़ों से। कोई हो सके तो घरेलू नुस्खा कमेंट पे जरूर बताइए। हमारे घर के पास में टीचर रहते हैं, उनके पापा ने ये धपड़ी बनाई है तो वो उन्होंने दी, और ये धपड़ी उन्होंने बनाई है कद्दू के जो टुक होते हैं उसकी बनाई है। तो आप तो दोस्तों ये है वो धपड़ी जो उन्होंने हमें दी है, बहुत डिलीशियस लग रही है और खाने में भी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें, तो खुशबू बहुत आ रही है, मुझे पसंद बहुत है ये धपड़ी। और ये उन्होंने बनाई कद्दू की टुक्की, मैंने तो कभी ट्राई किया नहीं है वैसे, अब नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी उसको पूछूंगी कैसे बनाया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलो फिर उसे टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, शायद उन्होंने जखिया से छौंक रखा है उसमें। टेस्ट करो, यमी है। फिर पीहू को भी बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, तो नेक्स्ट टाइम हम भी बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे ना। और फिर उसके बाद ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। दोस्तों ऐसी चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि हेल्दी होती है, ऊपर से हरी सब्जी होती है, इसको जितने तरीके से बना सको उतना अच्छा है। और जैसे हम कोई भी सब्जी है उसको एक ही तरीके से बनाएंगे तो फिर हम उतना टेस्टी नहीं आएगा ना, तो हमें उसे अलग अलग तरीके से ट्राई करना चाहिए। तो ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मतलब मैंने रायका देखा है धबड़ी, और पालक का देखा है वो तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, वो उसका देखा है। आप इसको मतलब इसका मैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी अब नेक्स्ट टाइम अंकल जी से पूछ के, और जब मैं बनाऊंगी तो मैं वीडियो जरूर शेयर करूंगी, तो आप लोग भी बनाना, आप प्रोटीन वाला पौष्टिक खाना। दोपहर में सो गई थी और फिर उसके बाद मैं उठी, चाय वाय पिया, वो तो आपको पता ही है कि चाय पीना कितना ज़रूरी है, तो तब मैं उठी हूँ। और अब टाइम हो गया दूध लाने का, तो मैं दूध लेने जा रही हूँ, तो चलो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा और चलते हैं दूध लेने। इधर ऐसा हो गया है, बादल वहां जाना है हमें दूध लेने। फिर हम निकल चुके हैं दूध के लिए, आ जाओ बेटा। ये देखो झोला पकड़ना भी है और पकड़ा भी नहीं जा रहा है, और चलेगी इतने धीरे धीरे कि जाते जाते मुझे 5:30 तो बज ही जाएंगे, 5 बजे बुलाया था। और दोस्तों आज गले में भी बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ मौसम हर 5 मिनट में बदलता रहता है, मतलब 5 मिनट पहले इतनी धूप होती है फिर उसके बाद एकदम से ऐसा मौसम, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, सर्दी जुकाम लग गया है, कुछ कह नहीं सकते। और दोस्तों आप लोगों को मैं इतना अपडेट देती रहती हूँ मौसम का, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं मौसम विभाग वाली तो नहीं बन गई हूँ, जो आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ देखो ऐसा मौसम हो रहा है वैसा मौसम हो रहा है। बोली हीरा बोल क्या छो तेरो मन में, दिल की बात बोल क्या छो तेरो मन में, किले छै रुसाई तू क्या बात क्या बात। प्यू बेटा ऐसा है ना कि अगर जनरेटर भी चला दिया ना मैंने, उसमें भी डांस कर लेगी, मतलब कि इसके साथ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अगर कॉलोनी में कहीं डीजे चल रहा होगा रात के 12 या 1 बजे होंगे, तो प्यू नींद में ही उठ के ऐसे डांस करने लग जाती थी, तो काफ़ी तो मतलब शुरुआत में तो मैं काफ़ी डरती थी, डर जाती थी कि अभी क्या कर रही है, पर बाद में आदत हो गई। दूध लेते हैं, हमारी जो दूध वाली है वो तो शायद चली गई है घास के लिए, तो मुझसे कहती है कि अंदर से दूध निकाल लेना, तो चलो मैं डोर ओपन करती हूँ,
आज दूध रखा है नहीं रखा है, हटो तो बेटा। तो ये रखा है दूध, तो चलो ये मेरा दूध की बॉटल रखी है यहाँ पे। देखो दोस्तों यहाँ पे ना ऐसे होते हैं, ये इसमें रखा जाता है दूध या दही, ठेका बोला जाता है इसे, ठेका। तो चलो मैं अपना दूध पहले निकाल लेती हूँ, चलो बेटे चलो चलो बाहर चलो। मैंने आपको ये पहले दिखा दिया है, जिसमें मेरी सिसई वीडियो है उसमें पहले से ये पूरा वीडियो है, क्योंकि सिसई गांव में रहते हैं तो वहीं के व्यू आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। देखो ये महिला मंडल आ रही है। नमस्कार नमस्कार, नीचे ना नीचे। तो अभी महिला मंडल गई है, यहाँ पे जो महिला मिलन है वहाँ पे ये सब मिलते हैं, भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, तो आजकल वहाँ पे पूजा पाठ चल रही है भजन कीर्तन, क्योंकि सावन का महीना है, बहुत पवित्र महीना। तो चलो मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, यहाँ पे गैया। दोस्तों देखो कितनी छोटी सी गैया है ना, मतलब मैं तो जितनी बार इसे देखती हूँ ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा सा लगता है, मतलब हंसी आती है बोले तो, क्योंकि ये बहुत छोटी है। देख रहे हो आप कितनी छोटी है, वीडियो में शायद आपको नॉर्मल साइज ही लग रहा हो बट रियल में बहुत ज़्यादा छोटी है। आप गेट देख के पता लगा सकते हो, यहाँ के गाय के लिए अंदर जाने के लिए गेट कितने छोटे बनाते हैं, सीरियसली बहुत छोटे गेट हैं ये। और गाय तो बहुत प्यारी है यार, इससे बड़ा हमारा डॉगी है ये समझ लो, हमारा डॉगी जो जॉनी है आपने और वीडियो में देखा होगा, तो इससे बड़ा है वो डॉगी हमारा। और यह है इसकी मम्मी, मम्मी भी बहुत छोटी है, बहुत छोटे छोटे होते हैं यार यहाँ पे गाय। चलो फिर दुकान चलते हैं ना, देखते हैं अभी खुली नहीं खुली। गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे, तो विक्स की गोली लेने की सोच रही हूँ। विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। चलो बोल बोल के पका देती हूँ ना मैं आप लोगों को, तो इसलिए बीच बीच में मैं थोड़ा ब्रेक भी ले लेती हूँ, कि जैसे नाटकों के बीच में ब्रेक आता रहता है वैसा मेरा भी ब्रेक आता रहता है। पीयू थक गई, उसने थला मुझे दे दिया। ए मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। मैं आज आप लोगों को बहुत सारे गाने सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और मुझे गाना गाने का बहुत मन कर रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को गाने सुना रही हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो तब भी सुन लीजिए, क्या कर सकते हैं अब, क्योंकि पर गाने मैं सारे दिल से गा रही हूँ, क्योंकि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है ना, इसलिए। तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लगती ना, कोई बात नहीं। देखिए कितना खतरनाक पोज में बैठा है डॉगी, काटेगा तो नहीं है, डरावना लग रहा है ना। चलो अब दुकान आ गए हैं दुकान पे। क्या क्या लेना है मैंने भैया? बिक्स की गोली है, हमने दुकान से सामान ले लिया है, बिक्स की गोली तो मिली नहीं। तो दोस्तों आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मतलब मैं भी उनके साथ बहुत फ्रैंक हो चुकी हूँ, और अब तो मुझे कोई भी मिलता है ना, कोई भी, चाहे मैं उसे नहीं भी जानती, मैं उसको तभी भी नमस्कार कह देती हूँ और मतलब दोस्ती हो जाती है। आए हुए यहाँ पे 15-20 दिन हो गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कितने महीने से यहाँ रहती हूँ, क्योंकि लोगों के नेचर पे डिपेंड करता है ना, नेचर ही इतना अच्छा है कि सबसे एकदम से घुल मिल जाते हैं। और जितने भी लोग हैं, मतलब आप मानोगे नहीं, कोई भी अगर यहाँ से जा रहा होगा ना, तो मैं उसको नमस्ते कर देती हूँ और वो खुश हो जाते हैं, हमारी दोस्ती हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम वो मिलते हैं तो फिर और अच्छी अच्छी बातें होती हैं। फिर हमारा डिनर तो हो गया है और संदीप भी बाहर घूम रहे हैं, और ये पीयू बच्चा हमारा रो रहा है, क्योंकि इसके इसको हो गया जुखी और इसको जुकाम भी लग गया, खांसी भी हो गई है, तो वो रो रही है, उसे नींद भी आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।